दोस्तों आज मैं खड़ा हुआ हूँ द एडवेंचर गैराज पे। हमारे साथ है इब्राहिम भाई। हेलो, आज क्या किया है इब्राहिम भाई आपने? आज क्रेटा मॉडिफाई करी है। अच्छा, क्रेटा बेस से टॉप मॉडल करते हैं गैराज का। बेस अच्छा, कंप्लीट इंटीरियर। तो चलिए बताइए फटाफट क्या क्या हुआ है इसमें। फ्रंट से तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा शोरूम से लुक आया वैसे का वैसे ही है जी। फॉगलैम कस्टमर ने ऑलरेडी कंपनी से लगवा लिए थे। इसमें से हेडलाइट के बल्ब चेंज करें जी, एलईडी बल्ब ज्यादा है वाइट। ओके, और बाकी जितना काम करा है मेन चीज है अंदर। अंदर आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ। ओके, और आपका आप अंदर चले जाएं अपन तो ऐसा कुछ इंटीरियर करा है ब्लैक और ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन कस्टमर की चॉइस थी, उसको ऑलिव ग्रीन चाहिए था। तो उसके ही सीट कवर्स ब्लैक और ऑलिव ग्रीन टच में टू टोन करें, प्लस छत कंपनी से आपको पता है बेज कलर में आती है तो उसको फुल ब्लैक करा है। अंदर अपन चले शिव भाई, सबसे पहले तो एम्बिएंट लाइट्स दिख रही होंगी आपको जी। K3 अल्ट्रा एम्बिएंट लाइट्स। कितने कलर्स होते हैं इसमें? इसमें 7 कलर्स हैं। 7? हाँ, विबग्योर पूरा 7 कलर्स कंप्लीट है इसमें। प्लस सारा इंटीरियर करा है अपने, जो टू टोन कलर में इंटीरियर करा है आपका ऑलिव ग्रीन और ब्लैक। इसके साथ साथ अंदर तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते बेस मॉडल में, स्टीयरिंग कंट्रोल्स लगा है ओरिजिनल। ये स्टीयरिंग कंट्रोल इसके साथ कनेक्टेड है प्लेयर के साथ। ओके, ठीक है। इसके बाद अपन ने इसमें स्पीकर्स जो थे, स्पीकर आजकल कंपोनेंट के स्पीकर्स का जमाना है जी। और कंपनी वालों ने कोएक्सियल मार्बल स्पीकर्स लगा के दे दिए थे इनको विदाउट कंपोनेंट्स। तो जेएल ऑडियो के स्पीकर्स इंस्टॉल करें मिटवेटर्स। ओके, तो चारों दरवाजों पे स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम इसको पूरा अपग्रेड कर दिया। हाँ, म्यूजिक सिस्टम पूरा अपग्रेड कराया। क्या हुआ था, कस्टमर को किसी ने नॉर्मल स्पीकर्स जो आज से 15 साल पहले अपन लगाते थे, आपके नॉर्मल जो कोएक्सियल स्पीकर्स होते थे पायनियर के या सोनी के, वो उसके साथ साथ उसको वो लगा के दे दिया था वेस्ट ट्यूब। अच्छा, तो वो बिल्कुल आउटपुट नहीं दे रहा था ना, मज़ा आ रहा था कस्टमर को उसकी आउटपुट में। तो वो हमने सारा निकाल के अलग करा, सारा उसका एम्पलीफायर वगैरह सब निकाल के अलग कर दिया है। उसको अभी रख दिया डिलीवरी के लिए कि सामान वापस सारा ओरिजिनल ले जाए। यहाँ पे कंपोनेंट स्पीकर लगाए हमने जीएल ऑडियो के विद आपका, मतलब चारों दरवाजों पे स्पीकर लगाए और चारों दरवाजों पे कंपोनेंट्स भी लगे, उसके छोटे छोटे ट्विटर्स भी लगे। ओके, मतलब इंटीरियर इसका ज़्यादा मेन हाईलाइट इसका इंटीरियर ही है। मेन हाईलाइट इसमें इंटीरियर करा, इंटीरियर पे ही मेन फोकस था इनका। अच्छा, और क्या इसमें मॉडिफिकेशंस हुए? और इसमें अब जैसे दरवाज़ा खोलेंगे तो अभी तो खैर दिन का टाइम है, अभी विजिबिलिटी दूसरी तरफ से दिख जाएगी। और इसका प्लेट लगाइए बैजिंग की रहेंगी। हाँ, ये ब्लू कलर है इनका। फिर पीछे आ जाए तो पीछे एक नॉर्मल सी ब्रेकलेट आती है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ ये रखी है इसकी ब्रेकलेट, इस तरह की ब्रेकलेट देते हैं। अच्छा, इसमें कोई सा लाइट वाइट नहीं होती? नहीं, इसमें से ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक चलता है बस। अच्छा, भी नहीं होता वो चेंज करके हमने इस पर टर्न लाइट इंस्टॉल करेंगे। अभी ये इंडिकेटर चल रहा है हजार्ड, तो ये दोनों तरफ से ब्लिंक करेगी। जब ब्रेक दबाएंगे या पार्किंग ऑन करेंगे तो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। अच्छा, राइट वाला कराएगा तो राइट साइड, लेफ्ट वाला इंडिकेटर देंगे राइट साइड का तो राइट साइड ब्लिंक करेगी, लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट साइड ब्लिंक करेगी। प्लस नीचे रिफ्लेक्टर भी चेंज करेंगे, इसके स्मोक रिफ्लेक्टर्स लगाएं। ये पार्किंग पे जैसे चलेगा इंडिकेटर्स पे ये आएगा, और रिवर्स गियर डालेंगे ब्रेक पे भी चलेगा, ये डार्क हो जाएगा। रिवर्स डालेंगे तो ये जो आपका ग्रीन था अभी फ्लैश कर रहा है इंडिकेटर, यही वाइट हो जाएगा। अच्छा, एक्सटीरियर में यही था, ये शार्पर एंटीना इसी में आता है। शार्पर एंटीना लगाया है, शार्पर एंटीना का इंस्टॉलेशन भी हुआ है। गाड़ी को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा? इंटीरियर तो इसका बहुत ज़बरदस्त आपने कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन लग रहा है और गाड़ी का सूट भी कर रहा है। कितना टाइम लगा इस गाड़ी को कंप्लीट करने में? कंप्लीट करने में 3 दिन लग गए। 3 दिन कंप्लीट। ओके, कॉस्टिंग कितना है? कॉस्टिंग के लिए आप मुझे एक बार डीएम करें, क्योंकि क्या है अलग अलग चॉइसेस रहती हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्राइसिंग है, अलग अलग क्वालिटी। ये ऑडियो का स्पीकर जो है वो नॉर्मली 10,000 से स्टार्ट होता है, तो 20,000-30,000 तक गया। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर को कितने वाला स्पीकर चाहिए, कितने का प्रॉब्लम चाहिए, कितने की हेडलाइट चाहिए, कितने का आपको मटेरियल चाहिए सीट कवर्स के लिए, इंटीरियर के लिए, तो वो वेरी करता है। बट मैं एक एवरेज टू बी ऑनेस्ट बता दूँ तो लगभग 1 लाख के करीब जाता है खर्चा। 1 लाख के करीब जाएगा, 1 लाख तक आएगा। ओके, बाकी दोस्तों गाड़ी मैंने आपको दिखाई दी है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफाई हुई है। इंटीरियर स्पेशली इसका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग था, और जो कलर कॉम्बिनेशन था वो भी ज़बरदस्त था। दोस्तों यही था अपना पूरा आज के वीडियो में कंप्लीट क्रेटा मॉडिफाइड, कहाँ से हुआ है वो आप देख लीजिए द एडवेंचर गैरेज। और बाकी और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा और कॉल करके सब डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।